मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बरमकेला के सुभाष चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका और 5 लोगों की मौत के मामले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोई सगा नहीं जिसको सरकार ने ठगा नहीं। इस सरकार में सियान जवान किसान सब परेशान है। आज अभी जैसे पुनीत जी बता रहे थे कि हमारे दुर्ग जिला में 5 जने का जो निर्मम हत्या हुई है, जो जांच का विषय है, उसको दबाया जा रहा है। उसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार प्रत्येक मंडल स्तर में पुतला दहन भूपेश सरकार की जा रही है। ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, इसको अभी जगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर जरूरत पड़ी तो हम भूपेश सरकार का बंगला को भी घेरने के लिए संकुचित नहीं करेंगे। देखिए, अभी दुर्ग जिला में पाटन थाना क्षेत्र में बठेना गांव है, वहां पर जो है 5 अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो है हत्या कर दिया गया है। और उसके बाद जो है ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार, उसको आत्महत्या करार दे रहा है। इसी कारण से जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है इस अपने नाकामी को छुपाने का काम कर रही है और इसको आत्महत्या का साजिश दे रही है। हम जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी मंडल के सभी, यहाँ के बरमकेला मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण भूपेश सरकार के खिलाफ में हम जो है आज उसका पुतला दहन किए। दुर्ग जिला में अनुसूचित जाति का एक ही परिवार का 5 जने की हत्या है बठेना गाँव में। प्रशासन जो है कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसी ग्रुप में हमने पुतला दहन किया है। सरकार को जगाना है इसके माध्यम।